गई हम लोग की पूजा, अब हम लोग जा रहे हैं घर। सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी लगी। तो ये देखिए मैंने लगाई है मेहंदी, और ये मैंने मोबाइल से देख के लगाई जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इतना ज़्यादा, बट मैंने लगा लिया। एंड ये है आगे अरेबियन, जो कि मैंने 2 मिनट में लगाया है, और ऊपर मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा और नीचे मेरा नाम है। तो देखिए ये मैंने 2 मिनट में लगाया, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है अरेबियन डिज़ाइन। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं नेहा अग्रवाल। और वट सावित्री का दिन है आज, और आज हम लोग व्रत हैं, और हम लोग आज पूरी रात नहीं सोए क्योंकि 2 बजे तक मैंने मेहंदी लगाई। बहुत दिन बाद मैंने मेहंदी लगाई थी, तो मैंने मोबाइल से देख के लगाई, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं थी, फिर भी मैंने लगा ली क्योंकि शुभ होता है। और उसके बाद हम लोग सोए नहीं क्योंकि फिर उठना ही था 4 बजे, तो सोए नहीं। घर की साफ़ सफाई की, नहा धो के अब हम लोग कर रहे हैं गुलगुले। गुलगुला बनाने के लिए हम लोग गुलगुला भिगो रहे हैं, क्योंकि जब तक शक्कर भीगेगा तब तक हम लोग अपनी पूजा कर लेंगे और काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना गुलगुला भिगो दे रहे हैं, और जिसमें मैंने लिया 1.5 कप आटा और 1.5 कप शक्कर, और पानी से इसको हम लोग अच्छे से फेंट के रख देंगे ताकि मेरा शक्कर अच्छे से घुल जाए। और एक घंटा भीग जाएगा, उसके बाद तब तक हम लोग अपनी पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे गुलगुला और पूड़ी। तो वट सावित्री में हम गुलगुला और पूड़ी चढ़ाते हैं, और बस ये आटा साना जा रहा है, और 12 पूड़ी हम चढ़ाएंगे, 12 पूड़ी हमारी देवरानी चढ़ाएगी। तो बस हम लोग सुबह मॉर्निंग में 24 ही पूड़ी बनाएंगे, और गुलगुला ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा है नहीं तो हम लोग पूरा बना लेंगे, क्योंकि हमें जल्दी निकलना है, बनाएंगे फिर रेडी होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा ही थोड़ा कर रहे हैं। और कितने लोग वट सावित्री व्रत रखते हैं कमेंट करके बताइएगा। आप सबको वट सावित्री व्रत की बधाई हो, और मुझे ये व्रत बहुत अच्छा लगता है। तो बस इधर मैं पीस रही हूँ अइपन, चावल को मैंने रात में भिगो दिया था, और ये छोटी सी सिलौटी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्यूट लगती है, बट अइपन पीसने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है। मेरे पास बड़ी सिलौटी भी है, बट मैं ज़्यादातर ये छोटी वाली ही यूज करती हूँ। तो मैं पहले ये चावल पीस लूँगी, फिर उसमें मैं डालूँगी हल्दी, तो बस ये हो जाएगा अइपन। और बस मेरा गुलगुला भी भीग गया था, हम लोग पूजा करके आ गए थे, अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं पूड़ी तलने। तो बहुत ज़्यादा बड़ी पूड़ी नहीं बनाएंगे, इसलिए मेरी देवरानी देखिए छोटी छोटी पूड़ी बेल रही है। पूजा में थोड़ी मीडियम साइज़ की पूड़ी ही अच्छी लगती है, बहुत बड़ी बड़ी पूड़ी नहीं अच्छी लगती है। तो बस मेरी देवरानी देखिए काउंट करके लोई बना रही है, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, पूजा के जितना पूजा में यूज होनी उतनी ही पूड़ी हम लोग बना लेंगे। तो बस मेरी दुरानी उधर पूड़ी बेल के दे रही है, और मैं फटाफट तल रही हूँ पूड़ी। सुबह टाइम इतनी तेज़ी से भागता है, पता नहीं चलता है कि हम लोग रात भर जगे भी थे, और जब 4 बजे से हम लोग लग गए हैं तब उसके बाद भी टाइम इतनी तेज़ी से भाग रहा है, और बस स्पीड में हम लोग फटाफट कर तल रही पूड़ियाँ। मैं एक साथ 4-4 पूड़ी डाल दे रही हूँ, और देखिए सब पूड़ियाँ फूल जा रही हैं, क्योंकि आटा अगर आप अपना अच्छे से सानिए, कड़ा सानिए, और थोड़ा सा हल्का उसको सॉफ्ट कर दीजिए तो पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं। तो बस मैं फटाफट बना रही हूँ अपनी पूड़ी। तो बस मेरी पूड़ी गई बन, उसके बाद हम लोग तलेंगे गुलगुला। तो ये मैंने डाल दिया है गुलगुला, और मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया है, मुझे पता भी नहीं चला, तो आधा आधा आ रहा है, तो डोंट माइंड। तो बस मैंने इस तरह गुलगुला बनाया। मैं गुलगुला में डालने वाली थी गरी और ड्राई फ्रूट्स डालने वाली थी, बट मैं भूल गई जल्दी जल्दी में, मैंने कट करके रखा था, मैं डालना और डालना ही भूल गई। तो बस मैं नेक्स्ट टाइम गुलगुला कभी बनाऊंगी तो उसकी पूरी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, और मैं उसमें ढंग से डालती हूँ ड्राई फ्रूट। गरी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप इतने गुलगुले में एक कद्दूकस की हुई गरी डाल दीजिए तो गुलगुला बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन फिर भी मेरा गुलगुला बहुत अच्छा बना था, कुरकुरा बना था।
तो बस मेरा गुलगुला हो रहा है रेडी, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे तैयार होने। और मैंने पूजा की थाली भी लगा ली है, तो बस हम हो गए रेडी, जा रहे हैं हम लोग पूजा के लिए। इस समय बज रहे हैं 6:10 हो रहा, ये देखिए 6:10 हो रहा, और पूजा की तैयारी हो गई है। तो ये देखिए, ये हम लोग ने 12 पूड़ी बनाई, 12 गुलगुला, देसी घी, और ये है 2 छोटी छोटी गिलसियाँ जब हम लोग चना घोटेंगे तब, और ये सिंगार का सामान आईपन, इसमें मैं जा रही हूँ हल्दी डालने, चना, सिंदूर और रोरी, और ये है चूड़ी, और ये बुक है जो जिसमें कथा हम पढ़ेंगे, और सीसा है गौरा जी, एंड ये धागा। और पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है महावर लगाना, बहुत लोग महावर कहते हैं, रंग कहते हैं, तो बस अब मैं चाह रही वही लगाने, और इसमें हल्दी डालूंगी नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। तो बस हम लोग निकल गए हैं, और हम लोग से ही हो गई है मिस्टेक कि हम लोग अपना खरबूजा और मैंगो लेके हम लोग ने लिया भी नहीं है साथ में। तो जब हम लोग मंदिर पहुंच जाएंगे उसके बाद हमें याद आएगा कि हम लोग अपना मैंगो और खरबूजा भूल गए थे। तो उसके बाद मैंने इनको भेजा था, हमारे घर से 5 मिनट के डिस्टेंस में ही मंदिर था, तो बस ये गए दौड़ के ले आए थे। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और मेरी दुरानी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसको हर घर में आम के पेड़ दिखाई दे रहे थे, वो हर जगह देख रही करी, भाभी देखिए कितने सारे आम हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर, और वहां हम लोग पहुंच के 10 मिनट हम लोग ने किया था वेट, क्योंकि ये दौड़ के गए थे खरबूजा और मैंगो लेने, उसके बाद ये आए हैं, फिर हम लोग ने पूजा स्टार्ट की। तो जो ऐपन हम पीसते हैं उससे हम लोग छापा मारते हैं 12 और उसमें सिंदूर का टीका लगाते हैं, तो बस हम लोग वही कर रहे हैं। और जब हम लोग मंदिर पहुँचे थे तो 3 आंटियाँ थी, हम लोग ने कोशिश की थी कि हम लोग पहुँच जाएँ कोई ना हो, बट 3 आंटियाँ थी, वो अपना पूजा कर रही थी, और हम लोग खरबूजे और मैंगो की वजह से वैसे भी 10 मिनट और लेट हो गए थे। बस हमारी यही कोशिश थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, हम लोग भी पूजा करके हट जाएं और लोग आए पूजा करें। तो बस हम लोग फटाफट चढ़ा रहे हैं, पहले हम लोग छापा देते हैं, सिंदूर का टीका लगाते हैं, रोरी का टीका लगाते हैं, उसके बाद सारे सिंगार का सामान, मैंगो, खरबूजा, ये सब चढ़ाते हैं, पूरी 12 पूड़ी रख देते हैं, गुलगुला सब कुछ रख के दिया जलाते हैं। और ये देखिए मेरी देवरानी चढ़ाई सिंगार का सामान, तो उसके पास रेड कलर की चूड़ियाँ थी और मेरे पास रोजी कलर की चूड़ियाँ थी, और हम दोनों का साइज, मतलब चूड़ियों का साइज अलग अलग है, उसका छोटा साइज है चूड़ियों का और मेरी चूड़ियों का साइज थोड़ा सा बड़ा है। सब कुछ चढ़ाने के बाद, दिया जलाने के बाद हम लोग अपनी कथा कर रहे हैं, और कथा थोड़ी सी लंबी थी जिसमें 20 मिनट हम लोग को लग गए, तो बस फटाफट हम लोग कर रहे हैं कथा। और जहां हम लोग जाते हैं पूजा करने वो मंदिर भी बहुत अच्छा है, क्लीन है, साफ़ सुथरा है, तो बहुत अच्छा लगता है वहां पूजा करने में। कहीं कहीं पेड़ के पास थोड़ा सा गंदा होता है, बट हम लोग जहां जाते हैं वो मंदिर बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा ढंग से रहता है, तो वहां पूजा करने में अच्छा लगता है। जब से मैं ये व्रत कर रही हूँ मैं इसी मंदिर में जाती हूँ पूजा करने, और मैं धागा लपेट रही थी, मेरा हल्का सा धागा हट गया तो मैंने फिर से उसको सही किया। तो मैं देखिएगा जब मैं, हम लोग की पूजा कंप्लीट हो गई, हम लोग फेरी लगा रहे उतने टाइम में, और आंटियाँ आ गई, फिर थोड़ी सी बढ़ गई है, फिर भी हम लोग डिस्टेंस का ध्यान रख रहे हैं। और ये अंकल कुछ लोग घर पर ही कर रहे हैं, तो अंकल पेड़ से ले जा रहे हैं तोड़ के थोड़ी सा डंठल, ताकि उनके घर में लेडीज़ लोग पूजा कर सके। तो ये देखिए हम लोग बस फेरी लगा रहे हैं, और उसके बाद मैं चढ़ाती हूँ चना, और मैं सिंदूर का टीका भी लगाते हुए चलती हूँ जब जब मैं फेरी लेती हूँ, और सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मैं इस तरह करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। और हम लोग घोड़ते हैं 12 चना, और पेड़ से निकला हुआ एक फल होता है वो, और मैं लेती हूँ आशीर्वाद में बिंदी और चूड़ी। पूजा पूरा कम्प्लीट होने के बाद मैं अपनी देवरानी को दे रही हूँ एक बिंदी, एक खुद लगा रही हूँ, और मैंने चूड़ी लेके पहन लिया आशीर्वाद में। उसके बाद हम लोग सुहाग लेंगे, गौरा
आंटियाँ आ गई थी, वो हमारी जगह पे बैठ गई थी, तो हम लोग ने दूसरी साइड में आके गौरा भगवान जी को पहले सिंदूर दिया, फिर हम लोग माथे पे खुद सिंदूर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सिंदूर देते हैं। एक होता है कि आप अपने भगवान जी के पास उधार में सिंदूर रखिए, तो हम लोग क्या ये ऐसा होता है तो हम लोग करते हैं। तो बस हम लोग घोटने जा रहे हैं चना, तो चना मैंने छील लिया, भारा चना होता है और बरगद का है वो, कुछ भी कहिए फूल कहिए क्या कहिए मुझे नो आइडिया, मुझे पता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड वो मुझे तोड़ के देते हैं, तो हम लोग एक साथ उसको घोट लेते हैं, तब हम लोग की पूजा होती है कंप्लीट। उसके बाद हम लोग पैर छूते हैं भगवान जी का, फिर अब हम लोग जाएंगे घर। हो गई हम लोग की पूजा, अब हम लोग जा रहे हैं घर। सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी लगती है ना मॉर्निंग में। अभी तक सब सो रहा है घर, बउआ सो रही है। तो इसमें बज रहा है 12 और मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए सो गई थी, क्योंकि रात भर मैं पूरा सो ही नहीं और मेरा गला भी बैठा बैठा लग रहा है। एंड क्योंकि रात के 2 बजे तक मैंने मेहंदी लगाई थी एंड मेरी मेहंदी देखिए चढ़ी भी नहीं, क्योंकि वो पुराना कोन रखा हुआ था तो मैंने उसी से लगा लिया था। तो अब हम जा रहे हैं बनाने चना, क्योंकि आज के दिन ना मैं कड़वा तेल खाती हूँ, लहसुन प्याज ये सब मैं नहीं खाती हूँ बिल्कुल, तो मैं सिंपल सा चना बनाऊँगी जैसे मैं नवरात्र में बनाती हूँ। जीरा गरम मसाला बस ऐसे ही डाल के डायरेक्टली कुकर में छौंक दूंगी, और जिनको पराठा खाना हो वो पराठा, और पूड़ी भी बहुत रखी हुई क्योंकि हम लोगों ने मॉर्निंग में बनाई थी पूड़ी, और जिनको पूड़ी खाना हो वो पूड़ी खाएंगे। तो बस मैं आज वही बनाऊंगी, और आज मैं बनाऊंगी मैंगो सेक, बच्चों का बहुत मन था तो पूजा के लिए हम लोगों ने बाहर से मैंगो लिया था तो मैंने ज़्यादा ले लिया था। तो बस अब मैं जा रही हूँ बनाने, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी पूजा आती है, बहुत मतलब कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम आज हम लोग घर से बाहर निकले, बिल्कुल नहीं निकलते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड एकदम स्ट्रिक्ट है, नहीं निकलने देते, यहाँ तक वो गेट तक नहीं जाने देते हम लोगों की, गेट के बाहर भी हम लोग कदम रखते। तो बस मेरा गला बैठा लग रहा है, पहले मैं पीऊँगी पानी, फिर उसके बाद मैं पानी ले आया मेरे लिए। और इस समय बिल्कुल ठंडा पानी ना पीजिए, इग्नोर कीजिए, मैं इतनी गर्मी में भी गर्म पानी पीती हूँ, इस समय तो फिलहाल मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ, और जितना हो सके आप ठंडा पानी ना पीजिए, स्पेशली कोरोना वायरस की वजह से ही आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, और गर्म नहीं पी सकते तो कम से कम नॉर्मल पानी पीजिए। तो ये चना हम लोग ने सुबह ही उगाया जब हम लोग मंदिर से आ गए थे, क्योंकि रात में भिगो के रखते इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा भीग जाता है और फिर महक आने लगती है, तो हम लोग ने सुबह भिगा था क्योंकि हम लोग को ये आइडिया था कि दिन में ही हम लोग को बनाना है। और जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो ज़्यादातर मैं येलो वाला सिंदूर लगाती हूँ, और कोशिश करती हूँ मैं सीधा मांग करूँ, तो आज मैं सीधा मांगती है। पूजा कोई भी पूजा पड़े मुझे बहुत अच्छी लगती है और सबको अच्छी लगनी चाहिए। और ये धागा देखिए कितना पतला है, धागा मतलब हमारे यहाँ मिला ही नहीं, ये तो नेक्स्ट ईयर का रखा था तो वही धागा मैंने यूज कर लिया। एंड फेरी लगाने के लिए मैंने वो रच्छा रखा हुआ था, उससे मैंने फेरी लगा ली, ऐसे ये कर लिया था क्योंकि कुछ चीज़ें मिली नहीं, और ऑलमोस्ट मैं कई चीज़ें रखती हूँ, श्रृंगार का सामान ये सब कुछ था मेरे पास। चूड़ियाँ चूड़ी मुझे मैं रेड करके चढ़ाती हूँ, बट इस बार चूड़ी उड़ी कुछ नहीं मिली, मेरे पास ये नहीं रखी थी तो मैंने और चढ़ा दी, और इतना लेते हैं प्रसाद के लिए मतलब आशीर्वाद के लिए, तो मैंने ये ले लिया। वो उठ गए ना, ये भी पूरी रात जगी थी एंड ये सोई है 4 बजे, तब हम लोग जल्दी काम किए, तो
अब ये उठ रही देखिए देखिए तो बस मैं बना रही हूँ चना, उसमें मैंने डाला है राइस ब्रैन ऑयल और खड़ा मिर्चा लाल वाला और जीरा। तो मैं जैसे कि मैंने बताया मैं प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं यूज़ करती। अब मैं इसमें डाल दूँगी चना। चना मैंने बिन लिया था क्योंकि उसमें कुछ कंकड़ होते हैं, कभी कभी घुन हो जाते हैं, तो उसको आप बिन लिया कीजिए जब भी चना भिगोइए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये लाल मिर्चा है। मैंने लाल मिर्चा खड़ा डाला था तो मैंने इतना ही लाल मिर्चा डाला है। और इसमें बस मैं डाल दूँगी नमक और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको सीटी लगाने के लिए रख दूँगी जब तक कि मेरा चना अच्छे से पक ना जाए। और मैं इसमें सोडा नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही मैं पकाऊँगी। देखिए मेरा चना बन गया है और ये चना बहुत टेस्टी लगता है, भले इसमें प्याज लहसुन नहीं होता बहुत टेस्टी लगता। मेरा चना बन गया। अब हम लोग जा रहे बनाने पराठा, क्योंकि मुझे पराठा खाना पूरी बिल्कुल नहीं खाना है। तो बस मैं फटाफट पराठा बेलूँगी और मेरी दीवानी पराठा सेक लेगी। तो कर रहे थे हम लोग अपना लंच, मैंने पराठा चाय चना और गुलगुला लिया है। तो मुझे बहुत चना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को पूड़ी खाना तो मैंने उनको पूड़ी दे दिया। तो अब बच गया है 5 और मैंने अपना खाना उनको उतार दिया है। एंड अब मैं जा रही हूँ बनाने मैंगो शेक। तो मेरी देवरानी ने मैंगो कट करके रख दिया था, तो ये देखिए मैंगो कट गया। तो मैं सबके लिए बनाऊंगी शक्कर का मैंगो शेक और अपने लिए बनाऊंगी गुड़ डाल के। और ये मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा, शायद अच्छा लगेगा, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। तो बस मैं ये मैंगो में मैं डालूंगी शक्कर। जैसा कि मैंने बताया हम लोग बर्फ पानी बिल्कुल नहीं यूज कर रहे, बस ये मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया था कि हल्का सा ये ठंडा हो जाए, क्योंकि मैंगो से हल्का सा ठंडा ना हो तो नहीं अच्छा लगेगा। तो बस मैंने फ्रीजर में इसको रखा था, ये थोड़ा सा हो गया ठंडा, तो मैं थोड़ा सा बर्फ की जगह ये पानी यूज करूंगी एंड फिर मैं डालूंगी दूध। और मैं मैंगो से मैं भैंस का दूध यूज करती हूँ। बस ये मेरा मैंगो से बन गया है। मेरे पास हैंड ग्राइंडर था बट मैंने आलस में भी निकाला नहीं, और कहीं कहीं वो रह जाते हैं टुकड़े, तो मिक्सी में जब मैं पीसती हूँ तो मैं ऐसे ही पीसती हूँ और फिर मैं इसको अच्छे से मिला देती हूँ, क्योंकि मिक्सी का जार मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज है, तो एक बार में पीस नहीं सकता, इसलिए मैं ऐसे ही पीसती हूँ, इजिली काम हो जाता, फिर मैं इसको अच्छे से मत पीसती हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ ये गुड़ वाला मैंगो। तो ये है कम, तो मैं इसमें
इसको पीसने के बाद फिर मैं इसमें दूध डाल के पीस लूंगी और इसमें मैं डालूंगी गाय का दूध। ये देखिए इसका कलर ऐसा आया है, अब मैं इसमें गाय का दूध डाल दूंगी। नॉट बैड, आप गुड़ डाल के भी मैंगो शेक बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है। जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली इसको यूज कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं गुड़ की चाय भी पीती हूँ, मैं शहद की चाय पीती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अपनी हर एक चीज में शहद या गुड़ ये सब डालूं, तो मुझे तो वैसे भी अच्छा लगता है इन सब का टेस्ट, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो वैसे मैंगो शेक बहुत टेस्टी बना था, बट आप इसमें रुआबजा भी डाल सकते हैं और काजू भी डालिए, बहुत लोग टूटी फ्रूटी भी डालते हैं। तो बस मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, टाटा, बाय बाय।